बजे चलिए हम लोग आइए चलते हैं क्लास नाइन्थ की सीबीएसई मैथ एनसीईआरटी बुक से मैथ स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। जैसे पिछले क्लास में हम लोग नंबर को सीखे थे, डिजिट को सीखे थे, नंबर लाइन को सीखे थे। अब आइए हम लोग आगे की क्लास को देखते हैं। नाइन्थ क्लास सीबीएसई मैथ एनसीईआरटी का जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। कौन सा? नंबर सिस्टम, ये पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो हम लोग को जानना जरूरी है वो सभी नंबर के बारे में जानना जरूरी है। तरह तरह के नंबर होते हैं, नंबर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं कि नेचुरल नंबर क्या है। आप बिल्कुल ऐसे ही नोट करेंगे अपने कॉपी में कि नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, जितना भी हम लोग नंबर सीखेंगे सबके बारे में आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको ये सभी नॉलेज होगा तभी प्यारे बच्चों आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको अभी का नॉलेज अगर नहीं आएगा तो फिर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए चलते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं कि नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर क्या है तो इसमें लिखे हुए हैं काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती। काउंट का मतलब क्या होता है? गिनती करना। अगर हम गिनती की संख्या को, जैसे कि गिनती की संख्या कहां से शुरू करते हैं प्यारे बच्चे? एक से शुरू करते हैं, एक दो तीन चार, तो हम इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यानी कि कोई भी अगर काउंटिंग स्टार्ट किया जाता है तो उस काउंटिंग वाले नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसका एग्जांपल बोले तो 1 2 3 4 5 etc। याद रहे कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन लेटर से दिखाया जाता है तो इसलिए लिखा हुआ है इट इज डिनोटेड एज कैपिटल एन। इसको हम लोग किससे डिनोट्स करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट्स करते हैं। फिर उसके बाद का जो नंबर है वो होल नंबर है। इसका क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते प्यारे बच्चे होल नंबर। होल नंबर का क्या डेफिनेशन है? काउंटिंग नंबर इज अ स्टार्ट विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी कि जब हम लोग काउंटिंग के नंबर को एक के बजाय जीरो से स्टार्ट करते हैं तब वो कहलाता है होल नंबर। यानी कि देख पा रहे होंगे इसका एग्जांपल 1 से शुरू होता है नेचुरल का, लेकिन होल नंबर का एग्जांपल 0 से शुरू होता है। यानी कि अब आपका ये सवाल होगा कि सर तब तो एक जो है नेचुरल भी है और एक जो है होल भी है। हम बोलेंगे कि हाँ बाबू बिल्कुल है, दो जो है नेचुरल भी है और दो जो है होल नंबर भी है। लेकिन प्यारे बच्चों जीरो जो है सिर्फ और सिर्फ होल नंबर है और नेचुरल नंबर नहीं है। यानी कि थोड़ी थोड़ी बातें, छोटी छोटी बातें आपको याद रखना होगा कि होल नंबर में क्या होता है तो जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो लगा हुआ होता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है। वैसे ही इसका एग्जाम्पल लिखेंगे 0 1 2 3 etc। अक्सर पूछा जाता है कि क्या ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर को आप होल बोल सकते हो? तो बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर तो एक से शुरू होता है, इसलिए ऑल नेचुरल इज होल हो सकता है और ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर ऐसा बोलता कि ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर तब ये गलत हो जाता प्यारे बच्चों, क्योंकि ऑल होल का मतलब क्या? जीरो भी आ गया ऑल में, ऑल का मतलब सभी। क्या सभी होल नंबर को हम नेचुरल बोल सकते हैं? नहीं। अगर ऐसा रहता सम होल नंबर इज नेचुरल तब यस हो जाता, यानी कि कुछ तो है ना होल नंबर जो नेचुरल होता है, लेकिन ऑल होल नंबर इज नेचुरल ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे जीरो है लेकिन नेचुरल नंबर जीरो नहीं है। चलिए इसके बाद आगे का नंबर देखते हैं प्यारे बच्चे। आगे का जो नंबर है वो है इंटीजर नंबर। अब हम लोग समझेंगे कि इंटीजर नंबर किसको बोलेंगे। तो इंटीजर नंबर में हम लोग लिखे 0, पॉजिटिव एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। प्यारे बच्चों जीरो होना चाहिए और पॉजिटिव और निगेटिव काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को मतलब क्या? कि एक से शुरू होना वो काउंटिंग नंबर कहलाता है। अगर काउंटिंग नंबर को हम लोग पॉजिटिव में लिख दें
यानी कि प्लस में लिखें और वही पॉजिटिव काउंटिंग नंबर को निगेटिव में लिख देंगे, माइनस वन माइनस टू माइनस लगा के लिख दें, और जीरो, ये तीनों को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों इंटीजर नंबर। यानी कि इंटीजर नंबर में क्या क्या होगा, तो जीरो तो ऑलरेडी होगा, अब जीरो के अलावा काउंटिंग नंबर को, इस काउंटिंग नंबर को पॉजिटिव में लिखिए, यानी कि किसी के आगे साइन छुपा रहता है तो प्लस समझा जाता है, तो ये सभी क्या होंगे आगे प्लस, एक दो तीन चार इटीसी तक। प्यारे बच्चों अब हमको निगेटिव में भी काउंटिंग नंबर चाहिए, तो काउंटिंग नंबर का मतलब निगेटिव, यानी कि अब आपको एक दो तीन नहीं बोलना होगा, अब माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार ऐसे बोलना होगा, यानी कि जब किसी भी नंबर में जीरो रहे या फिर पॉजिटिव रहे, प्लस एक प्लस दो प्लस तीन, या फिर माइनस एक माइनस दो माइनस तीन, ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव और एक हो गया जीरो, यानी कि जीरो रहे पॉजिटिव इंटीजर सॉरी पॉजिटिव काउंटिंग रहे और नेगेटिव काउंटिंग रहे, ये तीनों में से कोई भी रहे वो क्या हो जाता है इंटीजर नंबर। यानी कि इंटीजर का मतलब हुआ कि माइनस में सभी नंबर, प्लस में सभी नंबर और जीरो, इट इज डिनोटेड एज आई, इसको हम लोग कैपिटल आई से दिखाते हैं, क्योंकि इंटीजर का कैपिटल फर्स्ट लेटर क्या है आई है, इसलिए हम लोग इंटीजर को आई से दिखाते हैं। अब एक नया, इसके भी दो टाइप्स है प्यारे बच्चों, यानी कि इंटीजर नंबर के दो टाइप्स हैं, एक का नाम है पॉजिटिव इंटीजर और एक का नाम है निगेटिव इंटीजर। और पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो नाम से ही क्लियर है कि वैसा काउंटिंग नंबर जो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा, यानी कि सिर्फ इतना होगा, इसी को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं, यानी कि वन से स्टार्ट होंगे, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव काउंटिंग को पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग को नेगेटिव इंटीजर, यानी कि पॉजिटिव काउंटिंग को पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव काउंटिंग, तो काउंटिंग वन से शुरू होता है और प्लस में क्योंकि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव काउंटिंग रहता तो यहां से फिर इसको छुपा लेंगे, तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर। तो ये अब यहां पे हम लोग अब टॉपिक बनाएंगे आगे के नंबर में पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर के नीचे हम बोल रहे हैं, आप लिखिएगा, लिखेंगे पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसके एग्जाम्पल दे दीजिएगा उसके नीचे जो लिखे हैं, एग्जाम्पल में हो जाएगा पॉजिटिव काउंटिंग, तो पॉजिटिव का काउंटिंग का मतलब वन टू थ्री, वन टू थ्री ऐसे एटीसी, याद रहे प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग नेचुरल भी बोल सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अलग अलग नंबर के बारे में कि कौन नंबर क्या बतलाता है, क्योंकि हम लोग का जो एक्सरसाइज मिलेगा ना वो नंबर पे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम लोग को अगर नंबर के बारे में अलग अलग तरह का नंबर के बारे में जानकारी रहेगा तभी हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बन सकता है क्वेश्चन। चलिए अब उसके नीचे लिखेंगे इट इज डिनोटेड हैज, इट इज डिनोटेड एज, हैज नहीं, इट इज डिनोटेड एज, आई के ऊपर लिख दीजिएगा प्लस, जहां भी अगर आपको आई प्लस नजर आएगा तो समझना है आई मतलब तो इंटीजर, और इंटीजर कैसा पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग इसको आई प्लस से दिखाते हैं। अगर हमसे कोई बोलेगा कि आई प्लस का मान क्या क्या होगा, तो आई प्लस का मान वन टू थ्री होगा, आई का मतलब इंटीजर, कैसा इंटीजर, तो प्लस में। अब हम लोग ये तो दो एरो हो गया, पहला उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल और फिर सेकेंड में इट इज डिनोटेड एज आई प्लस। अब हम लोग टॉपिक बनाएंगे नेक्स्ट निगेटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर उसके नीचे एरो देंगे निगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड, निगेटिव काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड निगेटिव इंटीजर,
नेगेटिव इंटीजर। एग्जाम्पल -1, -2, -3 .. etc ऐसे ही चलेगा। यानी कि इसमें क्या करना है, माइनस लगा के करना है, यानी काउंटिंग नंबर स्टार्ट करेंगे लेकिन निगेटिव को लगाकर, माइनस को लगाकर करेंगे, -1, -2, -3। याद रहे जीरो का कोई जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, तो जीरो को हम लोग कहीं भी शामिल कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, उसका जीरो का अलग ही दुनिया है ना। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर का बात आए तो एक से शुरू करेंगे, निगेटिव का बात आए तो माइनस एक से शुरू करेंगे। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर में आई प्लस से सूचित करते थे, डिनोट्स करते थे, यहां पे हम लोग सूचित करेंगे आई माइनस से। तो यहां पे लिखिएगा इट इज डिनोटेड एज आई माइनस। चलिए उसके बाद आगे के नंबर है उसको देखते हैं। चलिए आगे का नंबर है जिसका नाम है रेशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेशनल नंबर क्या है, और यहीं से आपका मेन नाइन्थ क्लासेस की जो क्लास है या फिर एक्सरसाइज है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि रेशनल नंबर एक पिछले हम लोग नहीं पढ़े कि रेशनल क्या होता है, तो रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर और फ्रैक्शन, कोई ऐसा नंबर या फिर ऐसा फ्रैक्शन जो किस फॉर्म में हो, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो। पी का मतलब न्यूमरेटर अंश और क्यू को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो कोई भी फ्रैक्शन जो पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, हालांकि इसका बहुत मतलब समझना है, क्यू के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर नीचे अगर जीरो हो गया तब वो रेशनल नहीं बनेगा। यानी कि रेशनल होने के लिए जो q है नीचे वहां पे जीरो नहीं होना चाहिए, ये काटा हुआ है, बराबर लिखे काटा हुआ, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर p बटा q के रूप में रहना चाहिए लेकिन नीचे जीरो नहीं रहना चाहिए, ये आपको याद रखना होगा। एग्जाम्पल जैसे 5 को एक रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं, और 5/1 पी हो गया 5 और क्यू हो गया 1, तो ये रेशनल नंबर है। देखिए यहां पे क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्यू जीरो थोड़े ना है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये क्या है, रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि 4/5 क्या ये रेशनल है, तो बिल्कुल रेशनल है, क्योंकि रेशनल का मीनिंग होता है पी बटा क्यू के रूप में लिखना। तो पी बटा क्यू का मतलब देखिए ऊपर हो गया 4 और नीचे हो गया 5, ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा तीसरा एग्जाम्पल अगर कोई बोलेगा 8/0 क्या ये रेशनल नंबर है, तो नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि यहां क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए था, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यहां पे जीरो नीचे हो गया, इसलिए रेशनल नहीं कहलाएगा। प्यारे बच्चों अगला देखते हैं, चौथा नंबर एग्जांपल, जीरो है तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। प्यारे बच्चों यहां पे 0/1 ऊपर के बारे में हमको कुछ नहीं पता, p जो है कुछ भी हो सकता है, 0, 1, -1, -2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला हमको जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो वन है ये वन क्या है, जीरो नहीं है, इसलिए हम जीरो को भी बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, और 0/1 लिखने से यहां पे तो 1 नजर आ रहा है, और हमको होना भी चाहिए कि जीरो को छोड़कर नीचे q डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब हुआ कि नीचे जीरो को छोड़कर कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो यहाँ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रेशनल हो जाएगा। अगर मान लिया पांचवा एग्जांपल -3/2 तो क्या ये रेशनल है या रेशनल नहीं है, तो प्यारे बच्चों ये रेशनल है, क्यों, क्योंकि p के जगह पे -3 और q के जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए, बस जीरो के अलावा और कुछ भी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, नीचे कितना भी रहे, माइनस में रहे, उससे मतलब नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा।
यानी कि इस तरह की कुछ एग्जांपल्स है, आपको समझना होगा कि रेशनल नंबर वह नंबर है जो हमेशा p बटा q के रूप में रहे, जहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए, वो कहलाता है रेशनल नंबर। अब जरा एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसको किस चीज से दिखाते हैं, तो उसके नीचे लिखिएगा इट इज डिनोटेड एज कैपिटल Q। ये थोड़ा सा अलग है, आपको लग रहा होगा कि सर स्टार्टिंग लेटर तो रेशनल का R है, तो R से क्यों नहीं इसको सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये बुक में भी दिया है, हर जगह रेशनल नंबर को Q से सूचित किया जाता है, कैपिटल Q। तो आपको एक अपवाद के तौर पे यह बात आपको याद रखना पड़ेगा कि रेशनल को किससे सूचित करते हैं, कैपिटल Q से सूचित करते हैं। तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल Q, इट इज डिनोटेड एज कैपिटल Q। चलिए अब आगे एक नंबर आता है जिसका नाम है इरेशनल नंबर। यहां पे लिखेंगे इसका आंसर एनी नंबर या फ्रैक्शन नॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहां लिखेंगे, यहां पे नोट जोड़ देंगे नोट, यानी कि एनी नंबर और फ्रैक्शन नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बटा q, q डज नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड रेशनल। यानी कि जिसको p बटा q के रूप में लिखते हैं वो होता है रेशनल, और जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखते हैं, उस रूप का नहीं होता है, तब उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यहां पे लिख लीजिएगा, यानी कि p बटा q के रूप में नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं इरेशनल, या फिर जिसका पूरा पूरा रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट नहीं निकलता है उसको भी हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं इरेशनल नंबर। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है जरा देखते हैं। जैसे मान लिया रूट टू है, तो रूट टू है इसको कभी भी पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट टू का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। आप याद रखिए रूट थ्री का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए भी क्या है ये भी है इरेशनल नंबर। अच्छा कोई बोलेगा सर रूट चार, तो भाई वाह रूट चार का तो वर्गमूल निकालते हैं ना, रूट चार का वैल्यू होता है 2, तो ये हो जाएगा रूट चार को हम लोग बोलेंगे रेशनल, इरेशनल नहीं। देखिए रेशनल क्या होता है, पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो रूट चार का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो तो 2 निकलेगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसीलिए रूट चार क्या है रेशनल है, ये इरेशनल नंबर नहीं है। इरेशनल उसको बोलते हैं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, या फिर बोल सकते हैं कि वो उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं किया जा सके। तो यहाँ पे रूट फोर जो है रेशनल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, रूट पांच का भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, पॉइंट में आएगा। उसी तरीके से बहुत सारा ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। और साथ में एक और बात याद रख लीजिएगा कि पाई, इसको क्या पढ़ते हैं पाई पढ़ते हैं, ऐसे करके ऐसे सूचित करते हैं। तो ये पाई भी एक तरीके का इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू होता है 3.14 या फिर 22/7। यानी कि जब भी आप 22/7 करेंगे तो भाग लगाएंगे तो भाग लगते जाएगा बहुत लंबा चौड़ा भाग आ जाएगा। जैसे 22 को 7 से डिवाइड कीजिए, 70 21 एक आएगा, तो फिर पॉइंट देंगे 0 बैठाएंगे, 7 1 7 3 फिर 0 7 4 28 फिर 2 बचेगा 0 7 2 14 फिर हो जाएगा 6। ऐसे करेंगे बहुत लंबा भाग हो जाएगा लेकिन कभी कटता नहीं है। इसलिए प्यारे छात्रों आप याद रखिएगा कि पाई भी एक तरह का क्या है इरेशनल नंबर है। अक्सर आपको सवाल में पूछेगा कि पाई कौन सा नंबर है, आप हमेशा याद रखिएगा पाई जो है इरेशनल नंबर है और जीरो जो है वो रेशनल नंबर है। तो प्यारे बच्चों आज तक के हम लोग क्लास में सभी नंबर के बारे में पढ़े, रेशनल इरेशनल क्या होता है, और फिर अगले की क्लास में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं, धन्यवाद।